करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। फिर व्रत को चंद्रमा के दर्शन करने व अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्तों की मिसाल माना जाता है। देश भर के साथ ही बेटमा में भी गुरुवार को करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब बाजार में इतनी रौनक देखी गई, जहां महिलाओं ने करवा चौथ व्रत के पूजन व अन्य सामग्री की जमकर खरीदारी की। करवा चौथ का व्रत सालों बाद इस बार कई सहयोग लेकर आया, जिसने इस दिन की अहमियत को और बढ़ा दिया। करवा चौथ व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं दोपहर में या शाम को कथा सुनती है, पूजा की थाली तैयार कर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा से व्रत की शुरुआत की जाती है। गणेश जी विघ्न हरता है, इसलिए हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद शिव परिवार का पूजन कर कथा सुनी जाती है। रात्रि को महिलाओं ने चंद्रमा के दर्शन कर पूजन किया। चंद्रमा के पूजन व पति के पूजन के पश्चात पति के हाथों से पानी पीकर महिलाओं ने अपना व्रत खोला। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।